बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ करते हैं। आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं, बड़ी जानकारी आपको बता दें। धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, हालांकि आज ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और थोड़ी देर बाद ही बीजेपी में शामिल हो गए। आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं, बड़ी जानकारी आपको बता दें। और खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से आज ही आरपीएन सिंह की ओर से कांग्रेस से इस्तीफा दिया गया था, जानकारी तभी सामने आ गई थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अब बीजेपी में वो शामिल हो गए, आगे की राह किस तरह की रहेगी? देखिए, बिल्कुल, आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में जो आरपीएन सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब आगे की बात करें तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब आरपीएन सिंह का चुनाव में इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या उनको जो है चुनाव लड़ाया जाएगा या संगठन में जो है भूमिका जो है दी जाएगी, इन तमाम मसलों को लेकर जो है आने वाले समय में रणनीति का खुलासा जो है होता हुआ नजर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सेटबैक जो है ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसके लिए विधानसभा चुनाव से पहले कहा जा सकता है। और जिस तरीके से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़े जो है इशारे देता हुआ नजर आ रहा है। क्या आरपीएन सिंह को जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया एक महत्वपूर्ण कड़ी तो नहीं थे, ये आज जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है निकल कर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया वही नेता है जो राहुल गांधी के करीबी थे, आरपीएन सिंह भी वही नेता है जो राहुल गांधी के करीबी थे। ऐसे में तमाम ऐसे बड़े नेताओं की बात करें जो राहुल गांधी के करीबी थे, वो अब छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी नेताओं की कांग्रेस से जाना और बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का समय है, जिस तरह से कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन क्या वजहें सामने आ पाई हैं कि क्यों आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा, क्योंकि चर्चाएं पहले भी कई बार उठी थी कि आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ सकते हैं? देखिए, आरपीएन सिंह अब अपनी बात ही जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे जो है रख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्यों आखिरकार उन्होंने जो कांग्रेस है वो छोड़ी है। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि आरपीएन सिंह की तरफ से जो ट्वीट है वो भी जो है किया गया था, राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है उनकी तरफ से कहा गया कि सीधे तौर पर उसी को लेकर वो जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका, और कांग्रेस के संगठन के तौर पर भी देखें तो ये बड़ा झटका है। शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो बड़ी और अहम जानकारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे आरपीएन सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, आज ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कहीं ना कहीं कई राज्य में चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा कदम आरपीएन सिंह की ओर से उठाया गया, अब इसके किस तरह से मायने निकाले जाएं वो अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए। कांग्रेस के लिए जहां मुसीबत की घड़ी नजर आ रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ आज के इस घटनाक्रम से होता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें बीजेपी में शामिल हो गए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा।